₹500 में अनलिमिटेड फूड। जी हाँ, आज जिस रेस्टोरेंट में हम आपको लेकर आए हैं वहां पर आपको मिलता है अनलिमिटेड बफे अंडर ₹500। कैन यू इमेजिन, मतलब आप अनलिमिटेड फूड खा सकते हो ₹500 के अंडर। और यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरह के अलग अलग क्विजींस भी मिल जाते हैं। तो फटाफट से अंदर चलते हैं, आपको इस कैफे के बारे में बताएंगे, इस कैफे का नाम बताएंगे, जगह बताएंगे, क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या यहाँ पर है, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज का फूड रिव्यू करेंगे, एम्बियंस दिखाएंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। इसके अलावा भी हमने एक बफे करा था जिसपे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, तो वो वाली वीडियो भी चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वरना ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर एग्जैक्ट 12:30 बजे पहुंच गए थे जब यहाँ पर बफे स्टार्ट ही हुआ था, और हम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट ही करा जाए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया था इडली सांभर, जो कि ब्रेकफास्ट या साउथ इंडियन में आप समझ लो ऑप्शन अवेलेबल था। इडली सांभर के टेस्ट की बात करूँ तो यार इडली क्या टेस्टी थी, सीरियसली इतना ज्यादा घुल रही थी ना मुंह के अंदर, बहुत सॉफ्ट थी और सांभर भी ठीक ठीक था। मतलब ये थोड़ा सा मेरे को लगा पतला था, बट हाँ अगर आपको जैसे सब्जियों के बिना वाला थोड़ा सांभर पसंद है, अंदर सब्जियां थोड़ी कम पसंद है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। टेस्ट में कुछ भी कमी नहीं थी इसके अंदर, बहुत टेस्टी था, और साथ में चटनियां वगैरह भी ले ली थी, पापड़ भी ले लिया था, तो मेरे को तो लग रहा था भाई मेरा ब्रेकफास्ट सही सेट हो गया। यहाँ पर इडली सांभर खत्म करने के बाद हमने कहा अब कुछ चाइनीज में ट्राई करा जाए, तो यहाँ पर चाइनीज में सबसे पहले वेज मनचाओ सूप था, वो जब हमने लिया तो भाई इट वॉज सो डिलिशियस, मतलब इतना टेस्टी था ना ये। इसके अंदर वो जो सेमिया सी डली होती है मोनचाओ सूप में, वो भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपके टाइम पे मोनचाओ सूप होता है तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये। इनकी ना वेराइटीज चेंज होती रहती है हर रोज, जैसे आज इडली सांभर थे साउथ इंडियन में, तो हो सकता है कि कल आपको डोसा सांभर मिले, हो सकता है अगले दिन आपको वड़ा सांभर मिले, तो इस तरह से इनका साउथ इंडियन क्विजीन मतलब उसके अंदर डिशेस चेंज होती रहती है डे बाय डे। सूप भी हो सकता है कि आज हमें मोनचाओ सूप मिला, कल टोमेटो सूप मिले, परसों हॉट एंड सोर मिले, तो इट डिपेंड्स जब आप यहाँ पर जा रहे हो। मोनचाओ सूप तो सीरियसली हमने 3-4 बार पिया क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा ना, और बफे का फायदा ही यही है कि अनलिमिटेड आप खा पी सकते हो, तो हम बस डाल के लाई जा रहे थे और उसको पिए जा रहे थे, हमने कहा वसूल तो करे ₹500। फिर नेक्स्ट हमने फिर से चाइनीज में लिए नूडल्स, और साथ में ले ली थी मिक्स वेज इन हॉट गार्लिक सॉस। तो नूडल्स तो काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे, मुझे पता नहीं हॉट गार्लिक सॉस ना बहुत ऐसे टोमेटो वाली फ्लेवर वाली लग रही थी, तो इतना मजा नहीं आया मेरे को, बट नूडल्स वर ऑसम। अब हो सकता है कि आप जब आ रहे हो तो यहाँ पर वो हॉट गार्लिक सॉस की जगह पर मंचूरियन मिले, फ्राइड राइस मिले, कुछ भी हो सकता है। मतलब यार सीरियसली यहाँ पर खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, ₹500 के अंदर भी हर एक चीज इतनी गरम गरम मिल रही थी। मतलब जनरली कई बार होता है कि ऐसे ठंडा हो गया वहाँ पर खाना पड़ा हुआ उधर जहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, बट वो प्रॉपर गरम रह रहा था। हम गरम गरम सांभर डाल रहे हैं, गरम गरम सूप डाल रहे हैं, नूडल्स, ये हॉट गार्लिक सॉस, सब एकदम गरम। तो मेरे को मतलब ₹500 के हिसाब से ना काफी सही लग रहा है ये बफे। अब साउथ इंडियन और चाइनीज तो हमने आपको दिखा दिया, बट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल भी अवेलेबल है। कॉन्टिनेंटल में यहाँ पर जब हम गए थे तो मिक्स सॉस पास्ता था, ये हमने लिया, तो यार ये भी बहुत टेस्टी था। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, और बफेज में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पास्ता, बट यहाँ का पास्ता काफ़ी अच्छा था। मतलब जूसी था, और पेने पास्ता था ना तो उसके अंदर तक मसाला स्प्रेडेड था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये भी इनफैक्ट मैंने 2-3 बार खाया, और आपको पता ही है कि पास्ता तो मेरा फेवरेट है। नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स भी अवेलेबल था यहाँ पर, बट उसके लिए भूख ही नहीं थी, पेट ऐसा लग रहा था बिल्कुल फुल हो चुका है, बट हमने कहा नहीं यार ₹500 खर्चे हैं, खाना तो है ही, तो पहले हमने थोड़ी देर बैठ के बातें करी, क्योंकि लंच बफे की टाइमिंग्स 12:30 PM to 3:30 PM है, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। डिनर बफे भी यहाँ पर है, इनफैक्ट आप आला कार्ट भी ले सकते हो यहाँ पर, तो आपको गोइंग फॉरवर्ड वीडियो में सब मिलता जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कीप ऑन वॉचिंग। और चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके लिए कितना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट, अलग अलग जगहें घूमने की, खाने पीने की हम लाते ही रहते हैं। अब वक्त आ चुका था नॉर्थ इंडियन ट्राई करने का, तो नॉर्थ इंडियन में भी आपको यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की वेराइटीज मिल जाती है,
लिए 3 सब्जियां, मतलब एक दाल और 2 सब्जियां। तो एक सब्जी इसमें से थी कढ़ाई पनीर, एक थी सब्ज मखनी और एक थी येलो दाल। तो अगर आपको कुछ ऐसे सादा खाना खाना है, घर वाली वाइब चाहिए, कोई दिल्ली के बाहर से आए हो और आपको लग रहा है कि और कुछ घर जैसा खाना मिल जाए खाने को, वो भी अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ, घर वाला स्वाद चाहिए, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हो। और आपको पता ही है कि सीपी अदरवाइज कितना महंगा है, यहाँ पर आपको बस 500 रुपये एक बंदे के देने हैं और ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो, जितनी मर्जी बार खा सकते हो 3 घंटों के अंदर अंदर। वैसे तो आपको पता ही है आई एम नॉट टू मच फॉन्ड ऑफ दाल एंड ऑल, बट मैंने फिर भी टेस्ट करने के लिए सारी सब्जियाँ अपनी प्लेट में डाल ली थी। और ब्रेड वगैरह ये टेबल पर ही सर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैलड, पापड़, स्टीम्ड राइस, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो लेना चाहो, आपको चपाती नहीं खानी है, नान नहीं खाना है, राइस खाना है, तो आप वो भी खा सकते हो। हमने अपने लिए नान ऑर्डर कर दिए थे और नान जब आए ना गरम गरम टेबल पे, ओए होए होए होए, इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट थे। अब ट्राई करते हैं ये सारी सब्जियाँ। तो सबसे पहले ये सब्ज मखनी ट्राई करी जाए, तो ये मेरे को ठीक ठीक लगी। अगर आपको मिक्स वेजिटेबल ऐसे मखनी ग्रेवी के अंदर डालकर खाना पसंद है, तो ये वैसे टाइप की थी कुछ, तो अच्छी लग रही थी। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को मिक्स वेजिटेबल ना इतनी पसंद नहीं है, तो मेरे को ठीक ठीक लगी। बट हाँ, अगर आपको कुछ घर जैसे स्वाद वाला खाना चाहिए तो ये ले सकते हैं आप। येलो दाल तो ऑब्वियसली घर जैसी ही थी, बट कढ़ाई पनीर वो सुपर डुपर अमेजिंग, मुझे इतना टेस्टी लगा ना, लिटरली मेरे को एक नान खाने की भूख थी बट मैं 1.5 नान खा गई लिटरली। मीठा तो खाना ही खाना होता है, खाना खाने के बाद, पेट फुल होने के बाद भी हमने कहा मीठा तो जो भी है सब लपेटेंगे, आने दो। तो यहाँ पर मीठे में आपको गुलाब जामुन तो बफे में ही मिल जाते हैं और आइसक्रीम वन टाइम आपको टेबल पे सर्व करी जाती है। तो आप वनीला आइसक्रीम में से या चॉकलेट आइसक्रीम में से कुछ भी ले सकते हो। हमने अपने लिए एक वनीला आइसक्रीम, एक चॉकलेट आइसक्रीम मंगवा ली थी, क्योंकि हम 2 लोग थे तो उन्होंने कहा कि 1 लोग को एक ही आइसक्रीम मिलेगी। तो हमने ये दोनों आइसक्रीम ले ली थी, साथ में हमने ले लिए थे 2 गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन को हमने वनीला आइसक्रीम के अंदर मिक्स करके खाया, मतलब हमने हाफ वनीला आइसक्रीम ऐसी खा ली, चॉकलेट आइसक्रीम तो पूरी ऐसी खा ली और हाफ वनीला आइसक्रीम खाई गुलाब जामुन के साथ। आहा, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई किया है या नहीं। अगर करा है तो आपको कैसा लगता है गुलाब जामुन विद आइसक्रीम? मैंने तो पहली बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया, मेरी मम्मी मेरे को कब से बोल रही थी कि ये बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई कर, बट आई वॉज वेरी हेजिटेंट कि नहीं यार ये कितना गंदा सा कॉम्बिनेशन है, मैं कभी ट्राई नहीं करूँगी। बट जब ये ट्राई किया इट वॉज सो गुड, मतलब सीरियसली एकदम ब्राउनी विद आइसक्रीम, थोड़ा सा देसी स्टाइल वाला बट अच्छा लग रहा था। तो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करना, और बफे में यार ऐसे वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं। बाद में मुझे ये याद आ रहा था जब बफे के टाइमिंग्स ओवर होने वाले थे और पेट बिल्कुल फुल हो चुका था, बट आई एम श्योर कि जब हम नेक्स्ट टाइम किसी बफे में जाएंगे तो ऐसे ही कुछ वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो मतलब आपने देखा कि यहाँ पर क्या सही बफे है, सीरियसली काफ़ी सारी वेराइटी है 500 रुपये के अंदर। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्थ इंडियन में भी 3-3 सब्जियाँ आपको मिलती हैं, चाइनीज़ में भी 3 वेराइटी है, सूप है, स्टीम्ड राइस, ब्रेड, इडली सांभर, मतलब सब कुछ ही है। तो लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, ये सब अगर आप ब्रेकफास्ट लेट करते हो मेरी तरह, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे ब्रंच ही कर सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर मंडे टू संडे ऑल 7 डेज प्राइस सेम रहता है, 495, ये नहीं है कि वीकेंड में बढ़ रहा है या कुछ, तो ये बिल्कुल सेम ही रहता है। तो अगर आप कोई चीपेस्ट कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, अफोर्डेबल कैफे इन सीपी ढूंढ रहे हो, बजट फ्रेंडली कैफे इन सीपी ढूंढ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। अनलिमिटेड फूड इन दिल्ली खाना चाहते हो, अनलिमिटेड बफे इन दिल्ली अंडर 500 ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक ये एकदम परफेक्ट है। इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन रिपब्लिक कैंटीन, जो कि आपको ब्लॉक H कनॉट प्लेस सीपी में मिलता है। और यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, उसके लिए आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे, वहाँ से आपको 5 मिनट्स वॉक करना है और आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। लंच बफे की टाइमिंग्स है 12:30 PM टू 3:30 PM और यहाँ पर आपको प्योर वेज ही मिलता है। अगर आप डिनर के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये है कि डिनर बफे भी अवेलेबल है। तो अगर आप डिनर बफे लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज़ 695 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इसलिए है क्योंकि ये
तीन चार स्टार्टर्स ऐड कर देते हैं डिनर में, तो मतलब वो वसूली उतनी हो ही जाती है। और डिनर के टाइमिंग्स है 7:30 PM ऑनवर्ड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लंच बफे डिनर बफे जो चाहो वो खा सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है ना यार कि 4.95 इज टू अफोर्डेबल, और सीपी जैसी जगह में तो आपको लिटरली कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब आप दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली में रहते हो और आपको लग रहा है कि कुछ लंच ब्रंच इकट्ठा खाना है, नॉर्मल रेस्टोरेंट कैफे में जाओगे तो 500 रुपये का तो एक शाही पनीर तक नहीं आता, एक डिश भी नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फूड और काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल रही है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ तो नहीं थी, बट जितनी थी दैट वॉज क्वालिटी, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन थी, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। तो आप श्योरली यहाँ पर आ सकते हो, थोड़ी सी कैंटीन टाइप वाइब है बट इट्स गुड फॉर फैमिलीज फ्रेंड्स, और अगर आपको पेट भर के खाना खाना है कम प्राइस में तो यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली कम हियर। बाकी आप हमें कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप यहाँ पर आने वाले हो या नहीं आने वाले हो, अगर आने वाले हो तो कब आने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन बाय बाय।